Good morning, sir. Good morning, sir. Thank you, sir. आप comfortable हैं? Yes, sir. ठीक है. मैं आपसे किस लैंग्वेज में बात करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा. इंग्लिश में बात करूं सर, जिसमें भी आप करूं, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती. सॉरी सर. ऐसा आप जिसमें आपको सही लगे आप बात करें. अच्छा ठीक है. अच्छा आपने ये जो लैंग्वेज मीडियम जो लिखा है इंग्लिश, एज ए स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी बताइए, क्या ये आज के डेट में सोशली एक्सेप्टेड है इंग्लिश? यस सर. एक्चुअली आजकल के डेट में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है. ये जस्ट एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है. तो जिसमें भी हम अपनी चीज़ों को सामने वाले को अच्छे से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं, तो सर वो एक्सेप्टेबल है. ये सोशली एक्सेप्टेबल है, आप बोल रहे हैं. क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट किया है? सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंग्लिश ऐसे एच पर कोई लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करा. बट सर, इसे हम सोशली एक्सेप्टेबल मानते हैं क्योंकि कई बार कई जगहों पे इसे यूज़ किया जा रहा है. अच्छा ठीक है. यही बताएं कि इंग्लिश को अगर हम एक्सेप्टेंस देना चाहते हैं आने वाले समय में, कि इंग्लिश भी है, हिंदी भी, और एक तीसरा एक ब्रांच जो हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन में बना इंग्लिश, तो हमें क्या करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाने के लिए, हमें क्या करना पड़ेगा? सर, हमारे जो लैंग्वेज का शेड्यूल है उसमें चेंज करना पड़ेगा 8th शेड्यूल में. तो हमें किस तरीके से जाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाना पड़ेगा? क्या ये सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होगा या स्पेशल मेजॉरिटी या हाफ ऑफ द स्टेट्स का कंसेंट चाहिए या कुछ भी नहीं करना है? सॉरी सर, अभी मैं कम्प्लीटली अवेयर नहीं हूँ इस बारे में, मैं चेक करूँगी. अच्छा ठीक है. आप ये बता सकते हैं कि सोशियोलॉजी में, जैसे अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज अगर लोग अगर उसका यूज़ करना बंद कर दें, धीरे धीरे वो लैंग्वेज यूज़ जो नॉर्मली पहले होता था, अब अगर कम हो जाए यूज़ करना, तो इसका सोशल इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी में? कोई भी लैंग्वेज, वो वहाँ की जो कम्युनिटी होती है या फिर वहाँ का जो भी कल्चर होता है उससे जनरेट होती है. तो सर, मुझे लगता है कि अगर कोई भी लैंग्वेज एक्सटेंट होता है तो वो एक कल्चर के एक्सटेंशन माना जाएगा. तो अगर ऐसा है तो आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से, जैसे आपने बोला कि इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, पॉपुलर होते जा रहे हैं और लैंग्वेज मैटर नहीं करता, तो हिंदी एक आने वाले समय में ये भी एक्सटिंक्ट हो जाएगा अगर इंग्लिश सब लोग फॉलो करेंगे तो? सर, हिंदी इंग्लिश जो मैंने बोला वो सर एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन है. तो सर, इसमें हिंदी इनबिल्ट है एंड सर प्योर फॉर्म में नहीं रहेगा. यस सर. और इसका जैसा आपने बोला कि कल्चर का भी एक्सटिंक्शन है, yes, तो हिंदी कल्चर विल गेट इनटू एक्सटिंक्शन? नो सर, बिकॉज सर लैंग्वेज कैन इंडिकेट द एक्सटेंशन ऑफ एनी कल्चर इफ इट इज गो टू इट्स एक्सटेंशन. बट सर, विथ रिस्पेक्ट टू इंग्लिश, इट इनकल्केट इन हिंदी इन सेल्फ एंड सर एज पर इंडिया सर मैक्सिमम मेजोरिटी आर देयर ऑफ हिंदी. कैन देयर बी एनी काउंटर कल्चर डेवलप बिकॉज ऑफ दिस? Yes, sir. It is possibility. Can you tell me any instance where this counterculture has developed in the past? Yes, sir. If we trace back in past, then we don't used to speak so much of Hindi itself because there were languages. I'm talking about Hindi versus non-Hindi speaking, particularly South Indian, jo tussle hai. Yes, Hindi versus South Indian tussle. Anyways, will you be happy if Hindi gets extinct and English becomes the normal language for the people to use? So, I don't support extinction of any language because we live in diversity. So, sir, every language should have. So, given a chance, will you follow Hindi or English? Actually, I am not so much accurate in Hindi, academically, that's why. Okay.
इसी इंग्लिश के डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लैंग्वेज इज एक्टिंग एज अ न्यू टूल विच इज प्रमोटिंग न्यू इम्पीरियलिज्म। आपको किस सेंस में ये दिखाई देता है कि ये एक्चुअली में यथार्थ होता हुआ? सर कई बार हम लोग देखते हैं कि सर इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज ना यूज़ करके एज अ सोशल स्टेटस यूज़ किया जाता है ताकि वेस्टर्नाइजेशन मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट किया जा सके। तो सर ये एक तरीके का दूसरा कल्चर या फिर कह सकते हैं कि वहाँ का सिविलाइजेशन अडाप्ट करने की बात होती है लैंग्वेज के थ्रू। तो आपने अभी यूज़ किया वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, क्या दोनों सिनोनिमस हैं या अलग हैं? सर कुछ टर्म्स में सिनोनिमस भी हैं बट सर इनमें काफ़ी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सर वेस्टर्नाइजेशन 150 ईयर्स रूल जो है कॉलोनियल एरा का सर उसका आउटकम है, बट सर मॉडर्नाइजेशन जो है वो न्यू थॉट फॉर एग्जांपल लिबरलाइजेशन इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इन सारे सिचुएशंस को शो करता है। एक इसी कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज होता है ग्लोकल, क्या है ग्लोकल? सर आई एम सर मैं पूरी तरीके से इसके बारे में श्योर नहीं हूँ बट सर इफ यू अलाउ आई कैन गेस। बताइए। ओके सर ग्लोकल जो है वो ग्लोबल प्लस लोकल को मिलके बना है, जहाँ पे जो लोकल कल्चर्स होते हैं वो बड़े लेवल पे जाके सर एक वास्ट कल्चर बना देते हैं, लाइक लिटिल थिंग्स बिकम ग्रेटर थिंग्स। कोई एग्जांपल दे सकते हैं ग्लोकल का? यस सर जैसे कि बिहार में छठ पूजा बहुत प्रिवलेंट है, सर जब बिहारी बाहर जाते हैं तो वो इस कल्चर को वहाँ भी कैरी करते हैं, तो इसे एक अलग लेवल पे लोग रिकॉग्निशन मिलता है। ये लोकल का एग्जांपल कैसे हुआ? सॉरी सर ये तो हम बिहार के हैं, हम वहाँ जाके अपना कल्चर लेके गए। सर वहाँ के लोग भी इस बारे में समझने लगते हैं एंड वो इसको फॉलो। चलिए आपको हिंट दे, जैसे अगर दुर्गा पूजा आ रहा है मैकडोनल्ड जाते हैं बर्गर खाते हैं तो मैकडोनल्ड का कुछ दुर्गा पूजा के कॉन्टेक्स्ट में कुछ निकलता है, क्या उसको हम वो बता सकते हैं और ग्लोकल के टर्म में उसको हम यूज़ कर सकते हैं? यस सर आई टेक योर हिंट, सॉरी सर। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैकडोनल्ड है वो वेस्टर्न में जितने भी अपने प्रोडक्ट्स होते हैं उसको नॉनवेज ये सारे इंक्लूड करता है, बट सर जब वो वही चीज़ यहाँ इंडिया में होती है तो सर यहाँ के लोकल कल्चर को अडॉप्ट करते हुए वो वेज पे ज़्यादा फोकस करता है ताकि वो कल्चर यहाँ पे मतलब वो अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे भी सेल कर सके। क्वांटम डॉट क्या होता है? सर क्वांटम डॉट में अभी फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया है उसको ट्रेस करने के लिए। सर आई एम सॉरी सर उसको फिजिक्स में मिला है या केमिस्ट्री में मिला है? सर केमिस्ट्री में। सर मेरा लास्ट सवाल आपसे कि अगर हम अर्बनाइजेशन मॉडल को देखें तो प्रायः क्या होता है कि ओल्ड सेंटर के अराउंड न्यू सेंटर डेवलप हो रहा है हर जगह, पुरानी दिल्ली के बगल में नई दिल्ली, तो इस तरह का जो डेवलपमेंटल मॉडल होता है उसमें देखा जाता है कि दोनों सोसाइटीज़ के बीच में काफ़ी डिफरेंस, काफ़ी ज़्यादा टसल चलता रहता है, हमेशा एक दूसरे के प्रति होस्टाइल रहते हैं ये लोग। तो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होने के कारण आपको क्या सोशियोलॉजिकल फैक्टर दिखता है इसके पीछे? सर कई बार रिसोर्स भी एक फैक्टर होता है, जैसे कि पुरानी दिल्ली में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं जो वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को दिखाते हैं, एंड सर न्यू दिल्ली में कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएट होते हैं फॉर एग्जांपल मॉल एंड ऑल, सर इससे भी थोड़ा टशल होता है। बस सर श्रेया। यस सर। जॉगिंग करती हैं आप? यस सर। किस लिए? सर फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। क्या है मतलब आपका फिटनेस से?
सर मतलब ये है कि सर जॉगिंग जो है वो एक एरोबिक एक्सरसाइज में आता है जिससे सर लंग्स एंड कार्डियो मसल्स एक्टिव रहते हैं जिससे ओवरऑल फिटनेस मेंटेन रहती है। बस यही है जॉगिंग का मतलब आपके लिए। सर अभी तो मैं इतना ही मेमोराइज कर पाऊँ। माइंडफुल रनिंग क्या होती है? सॉरी सर नहीं, जॉगिंग में आपके माइंड को कुछ नहीं होता है, उसमें कोई फ्रेशनेस नहीं आती है। यस सर आती है। आती है? यस सर। क्या सर जॉगिंग में माइंड जॉगिंग करते टाइम पे माइंड एम्प्टी हो जाता है एंड सर ऑक्सीजन का भी फ्लो अच्छे से होता है तो सर माइंड एम्प्टी हो जाता है सर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा थॉट्स नहीं आते हैं तो सर एम्प्टी हो जाता है। अगर दिमाग में कोई चीज़ ना आए तो इसका मतलब वो दिमाग खाली है। नो सर सर थॉटलेस कह सकते हैं। थॉटलेस हो जाता है आदमी। सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं क्या थॉटलेस हो जाती हैं सर? जिस दिशा में जा रही हैं तब तक जाती हैं जब तक कोई थॉट आ नहीं जाता कह रहे भाई वापस जाना है। नो सर। तो आप क्या कह रही हैं? सर मेरे कहने का मतलब है कि जब माइंड कर जब जॉगिंग करते हैं तो उस टाइम पे सर कोई थॉट नहीं आता सर। एक्स्ट्रा अनयूजुअल थॉट्स नहीं आते लाइक जब हम लोग ऐसे नॉर्मल रहते हैं तो सर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं बट सर जॉगिंग करते समय मेरा माइंड थोड़ा कंसंट्रेट रहता है। किस पे? सर जॉगिंग पे या फिर नेचर पे। कौन व्यक्ति होता है जिस पे माइंड आपका कंसंट्रेट रहता है? सर कह सकती हूँ व्यक्ति नहीं बट हाँ खुद पे रहता है। खुद पे रहता है ना। चलिए ठीक है फिर सामाजिक परिवर्तन किसे कहते हैं बताइए। सर कोई भी ऐसा परिवर्तन जो कि समाज में एक चेंज लाता है कई सारे फैक्टर्स की वजह से जैसे कि सर मॉडर्नाइजेशन की वजह से या टेक्नोलॉजी की वजह से या फिर इक्विपमेंट्स की वजह से या फिर सर लर्निंग नॉलेज की वजह से तो सर उसको सोशल चेंज कहते हैं। उसे सोशल चेंज कहते हैं। और सामाजिक संकट किसे कहते हैं फिर? सर जब ऐसी कोई परिस्थिति आती है जिसमें कि वो चेंजेस नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं सर जैसे कि अगर टेक्नोलॉजी से पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो सर कई बार ऐसा होता है कि वही टेक्नोलॉजी नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालती है जिसको कई बार हम लोग सोशल जैसे सर जैसे मोबाइल का गेम अगर हम लोग कह लें मोबाइल में जो गेम्स होते हैं सर अभी इससे कौन सा सामाजिक संकट पैदा हो गया है? सर सामाजिक संकट जैसे कि सर ब्लू वेल्स चला था इससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उसे सामाजिक संकट कह देंगे सर अगर ये वास्ट लेवल पे होता है तब ना। हाँ सर तो ऐसा उदाहरण दीजिए जो सामाजिक संकट को रिफ्लेक्ट करता। एक ये बताइए कि ये कहा जाता है कि सामाजिक समस्याओं का समाधान सिर्फ राजनीति में है, आप एक टीचर के बतौर इससे सहमत हैं? नो सर सिर्फ राजनीति में नहीं है सर इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। बताइए किसी भी एक समस्या को लीजिए जिसे लगता हो कि वो राजनीति के द्वारा नहीं हल की जा सकती, सिर्फ राजनीति के द्वारा नहीं हल की जा सकती। सर अगर हम एडुकेशन को ही लेते हैं तो सर एक पॉलिटिक्स इसमें ये रोल कर सकता है कि टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स के अटेंडेंस को सही करना, टीचर्स के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना। मतलब शिक्षा, आपने उदाहरण लिया शिक्षा। यस सर। शिक्षा सिर्फ राजनीति के जरिए नहीं सही की जा सकती। यस सर। मैं किसके जरिए सही की जा सकती है? सर इसमें सोसाइटी भी इंक्लूड होगी सर, इसमें इंडिविजुअल का भी बहुत इम्पैक्ट। सोसाइटी इंक्लूड कौन करेगा? सर टीचर्स करते हैं, पेरेंट्स करते हैं सर, सब सभी मिलके सोसाइटी को इंक्लूड करते हैं। इंक्लूड करते हैं। अच्छा और सर एक इंडिविजुअल का भी इसमें रोल होता है। और ये सारे लोग जो हैं ये पॉलिटिकल नहीं होते? सर पॉलिटिकली सर हैंडल नहीं होते, कंप्लीटली नहीं होते सर। अच्छा गांधी जी ने बिहार में कुछ सोशल वर्क किए थे उनके बारे में है जानकारी आपको? सर गांधी जी ने कस्तूरबा स्कूल खोला था बिहार में सर, उन्होंने दलित्स के लिए। कब खोला था? सर ये सर 1921। हम फॉर्म बताइए। सर
सर ये असहयोग के टाइम पे हुआ था बट सर असहयोग के समय हुआ था कि चंपारण के समय हुआ था चलिए स्कूल खोला था और क्या किया था कितने स्कूल खोले थे कुछ आइडिया नो सर सॉरी सर और क्या किया था सर उन्होंने दलित्स के लिए काम किया था क्या काम किया था दलित के लिए सर उन्होंने हरिजनों के लिए सर इक्वालिटी के लिए सर ये किया था बिहार के संदर्भ में आप बात कर रही हैं सर ये ऑल ओवर इंडिया हुआ था तो सर बिहार में भी इसका हुआ था 1930 और क्या किया था नहीं और थैंक यू कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस सर अच्छा मेरा अच्छा मैंने क्वेश्चंस बहुत मिस कर दिए था तेज बोलो सर क्वेश्चंस बहुत मिस हो गए मेरे से कोई नहीं ऐसा कुछ कब है आपका इंटरव्यू सर 20 को है ठीक है ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव है ना वी हैव मेंटेन्ड योर कूल काम अप्रोच टुवर्ड्स द क्वेश्चंस कुछ है एरिया जहाँ पे हम लोग काम करेंगे एक तो इंग्लिश मेरे ख्याल से आप वहाँ पर मत लिखिएगा आपका जो डैफ वहाँ पे मिलेगा इंग्लिश या हिंदी है ना तो ये एक एरिया हो सकता है सर एक्चुअली एक टीचर ने मुझे बताया था कि लोग लिख रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं दैट्स व्हाई मैंने मेंशन किया क्या बताया था सर बोला कि दोनों में होता है तुम इंग्लिश मेंशन कर सकती हो एंड फिर वो जिसमें कंफर्टेबल होंगे उसमें पूछेंगे इंग्लिश का देखिए ऐसा नहीं है कि इंग्लिश कोई फॉर्मल कोई लैंग्वेज नहीं है और इसका अभी भी ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि इंग्लिश एक अनदर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ये हम लोग बोलते हैं वो बात अलग है बट अभी इसको उस तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिला है कि हाँ यू कैन यूज़ इट एज अ मोड ऑफ योर इंटरव्यू ठीक है ना तो मेरे ख्याल से हिंदी या इंग्लिश वट एवर यू राइट इट वहाँ पे यही होगा कि वो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे तो इंग्लिश में जवाब देना हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में जवाब देना स्लैश दे देंगे हिंदी स्लैश हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश क्योंकि इंग्लिश का कोई वो नहीं है जैसे एक सेंटेंस हिंदी में बोला दूसरा फिर इंग्लिश में बोला फिर तीसरा हिंदी में बोला ऐसा तो नहीं होता है नॉर्मली यस सर जो आपका जो टेक्निकल टर्म्स हैं या जो बहुत ही पॉपुलर टर्म्स हैं जिसको हम इंग्लिश में ही बोलते हैं तो वो इंग्लिश में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बट एक एरिया उनके लिए बन जाएगा हो सकता है वो एक नेगेटिव इमेज पहले ही बना लें कि भाई इंग्लिश भाई हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो मतलब इंग्लिश ऑब्लिक हिंदी लिख सकते हैं वो हिंदी में पूछेंगे तो हिंदी में जवाब देना इंग्लिश में पूछेंगे तो इंग्लिश में देना और ये आपको भी पता है कि अगर हिंदी में पूछते हैं तो हम 100% हिंदी में बोलते ही नहीं है yes, वो इंग्लिश ही हो जाता है yes, वो भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही पूछेंगे आप भी इंग्लिश में ही जवाब देना लेकिन वो लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा नेगेटिव हो सकता है एक एरिया है क्योंकि आप केमिस्ट्री हैं तो अभी नोबेल प्राइज़ एकदम कुछ ही दिन पहले का है तो क्वांटम डॉट यू हैव टू अदरवाइज उनका एक इमेज बनेगा कि यू आर कट ऑफ फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज दैट आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू पर्टिकुलरली उस फील्ड के यहाँ इसीलिए ठीक है ना तो इसको आपको ठीक करना पड़ेगा और जैसे आपने बोला था कि लैंग्वेज मैटर नहीं करता क्योंकि एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी अगर आप ऐसा बोलेंगे तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू लैंग्वेज डज मैटर क्योंकि आपने उसी कन्वर्सेशन में आपने बोला कि अगर लैंग्वेज नहीं रहता तो एक कल्चरल एक्सटिंक्शन भी हो सकता है यू आर कॉन्ट्राडिक्टिंग योर ओन स्टेटमेंट तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स आपने यहाँ पे प्रेजेंट किया है इसन्ट इट आप ही ने बोला है तो या तो ये होगा ठीक नहीं तो वो ठीक होगा है ना लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ योर कल्चर अगर आप कल्चर का डेफिनेशन देखें ई बी टायलर का तो उसमें क्लियर कट ये मेंशन है ठीक है ना तो एज ए स्टूडेंट तो सोशियोलॉजी बोलना थोड़ा डिफिकल्ट क्योंकि आगे फिर 4-5 क्वेश्चंस लगातार आएगा फिर आप जैसे यहाँ पर भी हुआ कि कल्चर आपने बोल ही दिया अल्टीमेटली कि कल्चर एक्सटिंक्शन हो सकता है और एक चीज़ वैसे भी सोचिए अगर आप बिहारी लैंग्वेज नहीं आपको आता है मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आता है फॉर एग्जाम्पल तो दिस इज़ द ओनली एक आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसको प्रोजेक्ट करके हम कल्चर को बचा के रखते हैं है ना इफ यू आर ए बंगाली यू डू नॉट नो बंगाली लैंग्वेज रेस्ट ऑफ द थिंग्स तो सब ऑलमोस्ट कॉमन है आपको ऐसा मिल जाएगा खाना पीना सेम
सब कुछ सेम मिलेगा। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है ना, तो इसको देखना पड़ेगा। और जैसे न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली का जो क्वेश्चन जो था कि कौन कौन से सोशल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट ऑफ सोशोलॉजी होने के कारण आपको और डीप में आंसर देना पड़ेगा कि ऐसा क्या होता है कि आपस में ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, तो इसका आंसर थोड़ा सा बेटर आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। और सोशल चेंज एंड सोशल क्राइसिस, इसमें भी जैसे आप बता रहे थे कि सोशल चेंज का जो डेफिनेशन दे रही थी आप, किस वजह से सोशल चेंज होता है वो बता रही थी, सोशल चेंज वो नहीं है। आपने बोला ना कि ये टेक्नोलॉजी के वजह से, इसके वजह से, उसका जो चेंज आता है वो तो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, बट वॉट इज सोशल चेंज, क्वेश्चन तो फिर भी रह ही जाता है ना। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सोशोलॉजी का ये वाला छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स है, सोशल इंजीनियरिंग, सोशल चेंज, सोशल क्राइसिस, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है, बट यही सब दो तीन आस्पेक्ट जैसे लैंग्वेज मैटर नहीं करता, इंग्लिश, बाकी सब तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं, वहाँ पर कुछ और पूछे, पर इसको अवॉइड करना है, ठीक है। चलो।